अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही काम आने वाली रेमेडी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लाई हूँ जिसे बनाने में ख़र्चा आपका बहुत थोड़ा सा होगा। सिर्फ 50 रुपये में आप ये रेमेडी बना सकते हैं और साथ ही में इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं, मुकम्मल बीमारियों का खात्मा कर देती है ऐसी रेमेडी। आज बहुत ही कीमती रेमेडी आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। मेरा अपना आजमाया हुआ वह ये नुस्खा है जो मैं आपको आज बताऊँगी। यकीन मानिए, इसके इस्तेमाल से आपकी जितनी भी बढ़ी हुई शुगर है वो नॉर्मल हो जाएगी, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल होगा। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो हमारे जिस्म में एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बढ़ जाए तो फिर जिसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तरह तरह के महंगे इलाज कराए जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊं जिसको इस्तेमाल करते हुए शुगर भी आपकी नॉर्मल रहे, कोलेस्ट्रॉल भी ना बढ़े, और साथ ही में अगर आपका बीपी हाई रहता है, हाई ब्लड प्रेशर के आप मरीज़ हैं, तो उसमें भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये ऐसी रेमेडी है, बीपी भी आपका नॉर्मल रहेगा इंशाल्लाह ताला इसको इस्तेमाल करने से। साथ ही में जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ख़वातीन हैं या मर्द हैं या बच्चे हैं, तो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये वाकई में वज़न को बहुत तेज़ी से कंट्रोल करती है। जिस्म में हमारे जो फैट होता है उसे ये बहुत जल्दी ख़त्म कर देती है। इतनी बेहतरीन रेमेडी है, सिर्फ हमने एक गिलास बना के इसका कंज्यूम करना होता है, ना तो इसमें पानी को बॉयल करना आपको पड़ेगा, कोई मेहनत भी नहीं है, कोई झंझट भी नहीं है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल मेथड आपको बताऊँगी इसे इस्तेमाल करने का। तो यहाँ पर मैंने ली है पनीर बूटी। पनीर बूटी पंसार की शॉप से ईज़िली ये मिल जाती है, इस तरह की दिखने में होती। तो ये छोटे छोटे से दाने पनीर बूटी के, ये हमारी बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें बचाते हैं, मुकम्मल ख़ात्मा कर देते हैं बीमारियों का। इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो इसे किस तरह से हम यूज़ करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का गिलास लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल आपके यहाँ जो भी कांच का गिलास यूज़ किया जाता है या जो भी बर्तन इस्तेमाल किया जाता है पानी पीने के लिए, आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मिट्टी के बर्तन में बना गई हूँ। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे इसमें से पनीर बूटी कितनी लेनी है, तो इस मौसम के हिसाब से इसकी तासीर ठंडी होती है, तो हमने यहाँ पे 11 दाने इसके गिन के लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि सीज़न बहुत ज़्यादा शदीद गर्म है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम 11 इसमें से दाने इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप सर्दियों के मौसम में इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो फिर आपने 7 दाने लेने हैं। इसकी मिकदार कम कर देनी है क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो यहाँ देखिए मैंने 11 दाने लिए हैं पनीर बूटी के, मैंने गिलास में से डाल दिया। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो बस इस तरह से एक गिलास आपने पनीर बूटी पानी में भिगो कर रख देनी है। रात भर के लिए हमने इसे भिगो कर रखना है। रात में आपने सोने से पहले इस तरह से ये एक गिलास बनाकर रख देना है, इसे कवर कर देना है। और इसे पीने का टाइम है सुबह में नहार मुँह, बिना कुछ भी खाए पिए सुबह सबसे पहले उठकर आपने ये एक गिलास पानी का पीना है। लेकिन किस तरह पीना है ये मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर पनीर बूटी को भिगोने के लिए जो पानी यूज़ किया वो भी नॉर्मल था, रूम टेम्परेचर का पानी था, तो मैंने इसे रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं रात भर भीगने के बाद। ये देखिए सुबह में पनीर बूटी आप देख सकते हैं फूल कर डबल हो चुकी है, साइज़ इसका बड़ा हो चुका है। ये देखिए ये अच्छी तरह से भीग चुकी हैं। तो हमने यहाँ पर इसे निकाल देना है। पनीर बूटी का जो अपना फ्लेवर होता है इस, ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, इनमें कड़वाहट होती है बहुत ज़्यादा, तो इसका जो पानी है ये थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन पी लिया जाता है आसानी से, इतना मुश्किल नहीं होता है इसे पीना। तो ये बेशुमार फ़ायदों वाला पनीर बूटी का पानी बन के तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसे सुबह में निहार मुँह पीना है। सबसे पहले हमने उठ कर ये पानी पीना है, उसके आधे घंटे के बाद आप नाश्ता ब्रेकफास्ट अपना कर सकते हैं, जो भी आप खाते हैं। सिर्फ 15 दिन आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लें, एक गिलास रोज़ाना अपने हार्मू ये पी लें, उसके बाद आप 15 दिन में आपको ख़ुद रिज़ल्ट मिल जाएंगे, आपको ख़ुद पता चल जाएगा। तो बस इस तरह से इस रेमेडी को आप यूज़ करें, बहुत तेज़ी के साथ इससे वज़न कम हो जाता है और साथ ही में बढ़ी हुई शुगर भी नॉर्मल हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाता है, बहुत ढेर सारी बीमारियों से हमें ये बचाता है पानी, इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। लेकिन इस रेमेडी के साथ आपने परहेज़ भी करना है, तभी आपको जल्दी फ़ायदा होगा और बहुत तेज़ी से फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला।
क्योंकि ये मेरी अपनी आजमाई हुई रेमेडी है। तो बहुत तेज़ी से फ़र्क पड़ता है, जब आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो, तो आप इसे बनाकर पी लें। आप इसे 15 दिन तक कंटिन्यू आपने जागे रखना है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत आराम मिलेगा। तो बस जब भी आपकी शुगर आपको महसूस हो के बढ़ना शुरू हो गई, कोलेस्ट्रॉल जैसे में बढ़ रहा है, तो बस आप इस रेमेडी को स्टार्ट कर दें और आप कुछ दिन तक इस्तेमाल करें। बाकी आप परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह साथ में परहेज़ भी होगा और साथ में आप ये रेमेडी भी यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको इंशाल्लाह ताला एक हफ़्ते में ही रिज़ल्ट इसके मिल जाएंगे। तो ज़रूर इस रेमेडी को यूज़ करें, बहुत ही कीमती नुस्खा है ये जो मैंने आपको बताया है। पंसार की शॉप से ये इजीली मिल जाती है, आसानी से आप पनीर बूटी कहेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। तो ज़रूर आप इस रेमेडी को यूज़ करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।